वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको, मेरे नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ओरासोर जेल के यूज और इस्तेमाल करने के तरीका के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। और एक बार मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओरासोर जेल का इस्तेमाल मुख्य रूप से मुंह के सालों के लिए करते हैं। अल्सर मुंह से लेकर पेट में कहीं पर भी हो सकता है। हमारे मुंह के अंदर एक पतली परत होती है, अगर किसी कारण वह परत सील जाती है तो मुंह के अल्सर की समस्या उत्पन्न होती है और मुंह में साले पड़ जाते हैं। देखा जाता है कि जहां पर अल्सर समस्या होती है वहां पर जख्म बन जाता है और दर्द भी होता है, जिसके कारण आपको बहुत ही समस्या हो सकती है। अल्सर मुख्य रूप से तेज ब्रश करने की वजह से होता है। यह मुंह का मांस हमारे दांत के बीच में आ जाता है तो त्वचा सील जाती है, जिससे अल्सर होता है। कई लोगों का मानना होता है कि अल्सर एक या दो दिन में ठीक हो जाता है, यह आपकी गलत धारणा है। उसको ठीक करने में समय लगता है। उसके साथ ही आपको खान पान पर अधिक ध्यान देना होता है। आपको तीखी चीजों का इस्तेमाल बंद करना पड़ता है। उसके साथ ही ओरासोर जेल मुंह के अल्सर को ठीक करने में बहुत ही लाभकारी है। ओरासोर जेल क्या है? ओरासोर जेल लिक्विड की तरह होता है। मुंह में कहीं भी अल्सर साले होने पर हमें उसे लगा सकते हैं। उससे हमें जल्दी आराम मिलता है और यह अल्सर की समस्या को जल्दी खत्म करता है। ओरासोर जेल मुख्य रूप से एंटीमिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक गुण के प्रदर्शित करता है, जिसके कारण अल्सर से हो रहे दर्द जलन से हमें राहत मिलती है। ओरासोर जेल मुंह के सालों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। आपको इसे कोई समस्या नहीं होगी। ओरासोर जेल यूज कैसे करें? ओरासोर जेल का इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह के धो लें ताकि कोई इन्फेक्शन समस्या न हो। उसके बाद ओरासोर जेल का इस्तेमाल करें। उसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है। ओरासोर जेल का इस्तेमाल आपको 7 दिन तक करना है और साथ ही आप दिन में 4 बार आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में न लगाएं। यह एक प्रकार का जेल है। इस लेने से पहले आप अपने अल्सर की जांच करवाएं, उसके बाद ही डॉक्टर के सलाह के बताए अनुसार इस्तेमाल करें। ओरासोर जेल के बेनिफिट क्या है? पहला है मुंह का साला और अल्सर। अल्सर जिसको यह आसानी से ठीक कर देता है। अगर आपको ओरासोर जेल का इस्तेमाल 7 दिन तक करते हैं तो आपको अल्सर में बहुत ही आराम मिलता है। इसके साथ ही जब आप ओरासोर जेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको खान पान पर भी ध्यान रखना होता है। तीखी चीज नहीं खानी। ओरासोर जेल में प्रिक्वेशन क्या रखे? पहला है एलर्जी की समस्या। अगर आपको ओरासोर जेल से किसी प्रकार की एलर्जी है या उसे मौजूद सामग्री से एलर्जी है तो आपको ओरासोर जेल लगाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, फिर इस्तेमाल करना है। सामना करना पड़ सकता है। शराब का सेवन न करें। अल्सर की समस्या के लिए सबसे नुकसानदायक है शराब। अगर आप अल्सर में शराब का सेवन करते हैं तो आपकी अल्सर की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तीखी चीजों को सेवन न करें। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको तीखी चीजों का सेवन न करें। अगर आप अल्सर होने पर तीखी चीजों का सेवन करते हैं तो आपको जलन हो सकती है, जिससे अल्सर बढ़ सकता है। ब्रश आराम से करें। ओरासोर जेल का इस्तेमाल करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्रश आराम से करना है। ज्यादा तेजी से ब्रश न करें, उससे आपको जलन हो सकती है, इसलिए ब्रश आराम से करें। प्रेगनेंसी के दौरान ओरासोर जेल मुंह के सालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। उसे मुंह के सालों की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है, परंतु प्रेगनेंसी के दौरान उसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान उसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है। ओरासोर जेल के साइड इफेक्ट क्या है? ओरासोर जेल फायदेमंद है, परंतु कभी कभी कुछ व्यक्ति को उससे साइड इफेक्ट हो सकती है। जलन हो सकती है। ओरासोर जेल अगर कोई व्यक्ति अधिक इस्तेमाल कर लेता है कि कोई बीमारी होने पर ओरासोर जेल का इस्तेमाल करता है तो हो सकता है कि उसे जलन की समस्या हो जाए, परंतु ऐसा बहुत कम देखा गया है। खुजली हो सकती है। ओरासोर जेल गलत इस्तेमाल से कई बार खुजली की समस्या हो सकती है। कई व्यक्ति का बिना हाथ धोए ओरासोर जेल इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण कई बार खुजली की समस्या हो जाती है। रेडनेस की समस्या हो सकती है। कई बार देखा गया है कि ओरासोर जेल इस्तेमाल से रेडनेस की समस्या हो सकती है, जिससे आपको दर्द भी हो सकता है। इसलिए उसका गलत इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। अब आप समझ गए होंगे कि ओरासोर जेल के यूज और इस्तेमाल करने का तरीका के बारे में। अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।